सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे न्यूज टीवी पर, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। शिंदे ने शुरू किया लाडली बहन कुटुंब भेंट अभियान, मायावती के घटकों में दोस्ताना मुकाबला नहीं होगा। दानवे अरोरा नाम के कंसल्टेंट को जो कहता है अजित वही बोलते हैं जयंत पाटिल। आई देखते हैं खबरें विस्तार से। शिंदे ने शुरू किया लाडली बहन कुटुंब भेंट अभियान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई 10 योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान शुरू किया। सोमवार को शुरू किए गए लाडली बहन कुटुंब भेंट अभियान के तहत शिंदे की पार्टी शिवसेना का लक्ष्य राज्य में 1 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुँचना है। यह कदम सत्तारूढ़ गठबंधन में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को लेकर आए मतभेद के बीच उठाया गया, जिसमें शिवसेना ने के एक मंत्री ने रकांपा अजित पवार गुट के खिलाफ सरकार की प्रमुख योजना के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री से मुख्यमंत्री शिंदे का नाम हटाने पर आपत्ति जताई। यही बढ़ते अगली खबर की ओर, मायावती के घटकों में दोस्ताना मुकाबला नहीं होगा। दानवे मुंबई पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राव साहब दानवे ने मंगलवार को कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के घटक दलों के बीच कोई दोस्ताना मुकाबला नहीं होगा। सीटों के आवंटन का फैसला करने के लिए उम्मीदवार की जीतने की संभावना ही एकमात्र पैमाना होगा। दानवे ने संवाददाताओं से बातचीत में इस बात से इनकार किया है कि महायुति के घटक दल मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेंगे। मायावती में भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और रकांपा अजित पवार गुट शामिल है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर, अरोरा नाम का कंसल्टेंट जो कहता है अजित वही बोलते हैं जयंत पाटिल। रकांपा के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल ने दावा किया कि अरोरा नाम का कंसल्टेंट जो कहता है उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब वही बोलते हैं, यह उनका मूल स्वभाव नहीं है। पार्टी की ओर से भंडारा गोंदिया में आयोजित शिव स्वराज यात्रा में शामिल होने के लिए पाटिल मंगलवार को नागपुर पहुंचे। वे इस दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव के अनुसार यह वास्तविक अजितदाता नहीं है, उन्हें पूरा महाराष्ट्र मालूम है। उन्होंने एक बार जो बोल दिया वह बोल दिया, वे अपनी बात से पलटते नहीं। जयंत पाटिल ने दावा किया कि कई युवा चेहरे ने पार्टी के टिकट पर दावा किया है, इनमें से अधिकांश ने पार्टी का काम किया। इनमें से जो निर्वाचित हो सकते हैं जयंत पाटिल है, उन्हें अवसर दिया जाएगा। नागपुर के भी कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की मांग है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारा जल्द होगा। भाग्यश्री अतराम को चुनाव लड़ाने पर अब कोई फैसला नहीं हुआ है। 12 सितंबर को उनसे इस संदर्भ में चर्चा की जाएगी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब फ्लाइट भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का, से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार, हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।